आर विभाग ICDS गोरखपुर सहयोग सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च शिफा के संयुक्त तत्वावधान में पोषण संचार दृष्टिगत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय पोषण अभियान के तहत आम जनमानस में पोषण के प्रति जागरूकता विषय पर पोषण विशेषज्ञ यूनिसेफ संस्था के सुरेश त्रिपाठी ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए उन्हें पोषित आहार देने की जरूरत है। ऐसे में हमें आसानी से मिलने वाली मौसमी सब्जियां, दाल, माँ का दूध आदि बच्चों को सेवन कराना चाहिए। कार्यक्रम में शहरी बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, वरिष्ठ बाल विकास परियोजना अधिकारी महेंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। और तीसरा एक कैटेगरी है जिसमें स्टंटेड की बात हो रही है, ये अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है जिसको हम लोग पहचान करते हैं। इसमें पीछे कीजिए, इसमें अगर देखते हैं और पीछे ये है, होता है सूक्ष्म पोषक तत्व जिसके ऊपर हमको काम करने की ज्यादा आवश्यकता होती है। आगे कीजिएगा, ये कुपोषण के कारण और परिणाम अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से अगर देखा। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत कुमार सिंह ने बताया, आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुँचें और उनको कुपोषण के प्रति जागरूक करें और कैसे वो अपने बच्चों को सुपोषित कर सकें, ये इसके लिए मुख्य उद्देश्य था हम लोग का कि आज हम लोग साथ में बैठे हैं और इसके माध्यम से हम लोग जनता तक पहुँचेंगे और उनको जो है उनके बच्चों को सुपोषित करने की कोशिश करेंगे। सर, कई सवाल भी आए सर इस बीच में आप लोगों के पास में, तो किस तरीके से उनका निस्तारण किया गया? देखिए, सवाल जो हम लोग से पूछा गया है उसका हम लोग जो भी अपना जो काम कर रहे हैं उसके माध्यम से हमें बताए हैं कि किस तरह से हम उन तक पहुंच सकते हैं और कुपोषण को दूर कर सकते हैं, इसके माध्यम से बताया। एक इस कार्यशाला में एक नई चीज़ सुनने में है कि पैकिंग की जो सामान है उस पर रोक लगाने की बात हो रही है, बंद करने की बात हो रही है और लोग पैकिंग के ही सामान की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। हाँ, देखिए, पैकिंग का सामान के लिए हम लोग सलाह हम लोग का यही है कि उसको ना खाया जाए, जो ताज़ी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं उन चीज़ों को खाया जाए। ये ज़रूरी है कि फ्रेश होती हैं चीज़ें और पैकिंग की चीज़ों में जो है समस्या हो सकती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है।